गाइस, पर आज मैं ब्लेंडर में थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह से हम वर्क करते हैं ब्लेंडर में। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लेन शीट मैंने निकाल रखी है। तो फिर हम टैब दबा के इसमें हम जस्ट ले आते हैं इनटू फॉर्मेटिंग स्टाइल में। तो फिर देखिएगा, अब मैंने जस्ट कंट्रोल दबाया और इसने लाइन क्रिएट कर दी। और अब हम दोबारा से दबाएंगे और सिमिलर फ्रेम वर्क में। ओके, लेट्स गो। फिर हम जस्ट यहाँ से ये जाएंगे और यहाँ पर हम करेंगे वायर फ्रेम में हो गया। और अब हम जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे सॉलिडिफाई वायर फ्रेम को और जस्ट यहाँ से उठा के ऊपर फिट कर देंगे। देखिए, अगर से आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना हो तो फिर आप चाहे तो चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि थिकर वर्क में को ज़्यादा रखना है तो फिर इसमें मैंने थिकर ज़्यादा कर दिया। और ये देखिए, अब यहाँ से एक कटिंग फ्रेम भी निकल आएगा। अगर से आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो फिर ये देखिए आपका, और फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। देखिए, जस्ट हम अभी इसको आर दबाते हैं और आर से ए और एक्स दबाते हैं और इसको 90 डिग्री कर देते हैं और यहाँ पे एस दबाते हैं और इसको थोड़ा सा शॉर्टन कर देते हैं। जीरो दबा के अब हम देखेंगे इसके फ्रेम को। और देखिए, यहाँ से हम जस्ट कन्वर्ट करते हैं अपनी ये रिजोल्यूशन को। अगर से आपको ये अच्छा नहीं लगता है तो फिर ऑल्ट ये दबा के आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर अगर से आप डायरेक्टली ये फॉर्मेशन में लेना चाहते हैं तो फिर आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने जस्ट और यहाँ से चीज़ दबा आके और यहाँ पर हम जस्ट प्रेस कर देते हैं। ओके, 100 और 1000। ओके, नॉट बैड। आप देख सकते हैं कि ये एकदम फिनिश्ड वर्क निकल आया है। आप चाहे तो इसको एज पर योर जाली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसे कम करना चाहे तो फिर वो भी कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। ओके, तो फिर आप देख ही सकते हैं। अब मैं जस्ट यहाँ पे साइक्लिक फ्रेम में चले जाता हूँ और देखता हूँ तो फिर साइक्लिक फ्रेम में ये एक्यूरेट नहीं बैठ रहा है, तो फिर इसमें मेरे को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो फिर यहाँ पे जो राइटिंग सेक्शन है ये एकदम परफेक्टली फॉर्म हो रही है।
और यहाँ से हम ये ईवी रेंडरिंग इन फ्रेम में मैंने कर दिया है, साइक्लिक फ्रेम में ये जाकर के रेंडरिंग इमेज फॉर्म करता है। ओके तो फिर ये काफी इम्पोर्टेंट होता है ये टू। अभी मेरे को ये ओके अब ठीक है, अब हम सबसे शुरू करते हैं और देखते हैं। और यहाँ पर हम जाके रेंडरिंग इमेज पे क्लिक करते हैं और टाइम लैप्स ये टाइमिंग को अपने अनुसार फिक्स करेगा और आप देखिएगा एकदम फिनिश्ड फॉर्मेशन में आ जाएगा। आप चाहे तो अपने अनुसार कोई सा भी डिजाइन बना सकते हैं इसमें, as what you want guys, it's up to you। ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है, ये एक तो वो एनिमेशन के लिए भी यूज करा जाता है, यहाँ तक कि स्ट्रक्चर मॉडलिंग में भी का यूज करा जाता है, VFX में भी इसका यूज करा जाता है और 2D और 3D ये एनिमेशन वर्क में भी यूज करते हैं, या फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसका प्लेटफॉर्म STL फाइल से इनटू ब्लेंडर टू वो सॉलिड वर्क्स डिजाइनिंग में, और ये जस्ट क्रिएट कर देगा फॉर्मेट को और आपका फॉर्मेट जस्ट रफ एंड टफ फॉर्म में जस्ट क्रिएट हो जाएगा गाइस। और हाँ, आप चाहे तो इसको जाली के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो जस्ट मेरा अभी रिविजन वर्क है और मैंने ढेर सारे ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, ढेर सारी चीज़ें बना रखी हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए आप चाहे तो देख भी सकते हैं। मैंने ये इस लॉकडाउन में ढेर सारी चीज़ सीखी हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल रही है मेरे लिए भी और आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको ट्विटर वर्क देता रहूँगा और कृपया करके लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती है। और हाँ, मेरे को सपोर्ट बना रहेगा इस, मेरे को सपोर्ट कीजिए गाइस, मेरे को सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे लिए। आप देख सकते हैं कितनी शानदार जाली बन रही है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली। मैं चाहूँ तो इस जाली का यूज अपनी ही बिल्डिंग में भी कर सकता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट अ डिजाइनर, आई ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग इट, बट इट टेक्स टाइम एंड मनी, फॉर मनी वेल यू नो दैट गाइस, मनी के लिए पैसे चाहिए होते हैं और पैसे के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होता है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर पर अब आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ढंग से ये क्रिएट हो गया है। देखिए दिल दीवाना कर देता है ये एकदम, ये रेंडरिंग प्रोसेस एकदम न्यू एस प्रोसेस है और काफ़ी हेल्पफुल रहता है गाइस। और प्लीज़ कृपया करके मेरे को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए गाइस, ताकि मैं आपकी रेगुलरली मदद कर सकूं इन योर अपकमिंग ट्यूटोरियल वर्क। जीवन में क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे गाइस, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है और वो मेरे को ज़रूरत है यार, प्लीज़ हेल्प मी गाइस, सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कम इन इंस्टाग्राम, लाइक माई ट्विटर वर्क, आई कैन हेल्प यू ऑल्सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट, प्लीज राइट इन आर कमेंट सेक्शन, इज इट इन आर यूट्यूब और इंस्टाग्राम, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑल्सो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट इट टू सपोर्ट मी गाइज एंड सी या, वी विल मीट।
again. I will meet you again, guys. So, see ya.